हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मिनट ट्यूशंस पैरेलल कंप्यूटिंग। मेरा नाम सुमेर है और आज हम देखेंगे पाइपलाइनिंग। तो क्या होती है पाइपलाइनिंग यार? कंप्यूटर में पाइपलाइनिंग कॉन्सेप्ट ने तो कंफ्यूज करके रखा है, तो चलो इसको इजी कर देते। अज्यूम करो कि मेरे को गाड़ी बनानी है और मेरे पास 24 बंदे। कितने बंदे? 24 बंदे। तो मैंने एक गाड़ी बनाई 24 घंटे में, 24 आवर्स लगे कार बनाने। अब दूसरी कार बनाने को कितने लगे? दूसरी कार बनाने को 24 आवर्स लगे। तो टोटल दो गाड़ी बनाने को मेरे को लगे 48 आवर्स। ये कैसे लगी ये बताता हूँ। मेरे पास 24 बंदे, 24 बंदे क्या करे? सीधा सबसे पहले गाड़ी आई तो उसका पहला काम क्या था? इंजन बनाना। तो 24 के 24 बंदे इंजन बनाने में लग गए। फिर जैसे ही इंजन हो गया, फिर क्या काम पे लग गए? फिटिंग पे। जैसे ही फिटिंग खत्म हुआ, सब क्या लग गए? पेंटिंग पे। तो क्या 24 के 24 बंदे काम नहीं कर रहे? कुछ टाइम पास कर रहे, कुछ ये कर रहे। उसी तरह से इसका एग्जीक्यूशन हुआ, इसका फिटिंग हुआ, इसका पेंटिंग हुआ। तो जब तक एक गाड़ी खत्म नहीं होती ना, तब तक दूसरी चालू नहीं कर रहे ये लोग। 24 लोग क्या कर रहे? सारे के सारे बंदे या तो इंजन बना रहे, इंजन बन गया तो फिर फिटिंग कर रहे, फिटिंग हो गया तो पेंटिंग कर रहे। अब तक यार लोकल जगह अगर देखा रहेगा ना, जो बंदे फुटबॉल खेलते, नई नई फुटबॉल देखते, तो सारे के सारे बॉल के पीछे भागते। कोई स्ट्रेटेजी नहीं, कुछ नहीं, सारे के सारे भाई बॉल को लात मारनी। उसी तरह से सारे के सारे बंदे क्या कर रहे? इंजन बना रहे, फिर सारे के सारे फिटिंग कर रहे, फिर सारे के सारे क्या कर रहे? पेंटिंग और डिजाइनिंग कर रहे। तो ये हो गया सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन, या फिर सिक्वेंशियल चीज़ है, सीरियल चीज़ है। तो एक नया कॉन्सेप्ट आया पाइपलाइनिंग का। उसमें क्या होता था पता है? उसने क्या किया, 8-8 बंदों की टोली बना ली। क्या बने? मेरे पास 24 बंदे थे, 8-8 बंदों की टोली बना ली। 8-8-8 इंजन, फिटिंग और दूसरा क्या था? पेंटिंग। तो जैसे ही 8 बंदों का इंजन का काम खत्म हो गया, गाड़ी चल दी फिटिंग के लिए, अब इंजन के लौंडे फ्री हो गए। तो बोला कि भाई दूसरी गाड़ी ला, मैं दूसरी बनाऊंगा। तो जैसे ये खत्म नहीं हुई, दूसरी का काम चालू हो गया। अब इसका इंजन का काम शुरू हो गया। जैसे इसका फिटिंग का काम खत्म हो गया, ये गया पेंटिंग पे, तो फिटर के लोग फ्री हो गए। तो इसका इंजन का काम भी खत्म हो गया, तो ये चला गया फिटिंग पे। तो अब इंजन वाले वापस फ्री हो गए, फिटिंग वाले को दे दिया मैंने काम। ये चला गया पेंटिंग पे, इंजन वाले फ्री हो गए क्योंकि यहाँ का काम चला गया था फिटिंग पे। तो बोलता भाई नई गाड़ी ला। इंजीनियरिंग के 8 बंदे क्या करें? नई गाड़ी बनाने लगे। जैसे इसका पेंटिंग का काम खत्म हो गया, फिटिंग का चला गया पेंटिंग पे, इसका इंजन का खत्म हो गया था, ये चला गया फिटिंग पे, और नई गाड़ी आ गई। बोलते नई गाड़ी ला, मैं उसका इंजन का काम करता हूँ। तो इससे क्या, जो अपने हार्डवेयर है, जो मेरे 24 बंदे वो कभी फ्री नहीं हो रहे, फटाफट उनको काम मिलते जा रहा है। ठीक है, इसकी पेंटिंग का काम खत्म हो गया, इसका फिटिंग का और इसका पेंटिंग का। तो अब देखते हैं कि भाई मुझे 24 घंटे में मैंने कितनी गाड़ी बनाई पाइपलाइन के यूज से। मैं ऐसे बना रहा हूँ, ये 8, ये 8, ये 8, तो कितने हो गए? 24। 8+24+8 होते 32, 32+8 होते 40, और 42+ देते 48। यानी मैंने 48 आवर्स में कितनी गाड़ी बनाई? 1, 2, 3, 4। तो है ना पाइपलाइनिंग एक नंबर। मेरी बात समझ रहे हो? पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि किसी भी हार्डवेयर को फ्री बैठने मत दो। जैसे ही काम एक ही चीज़ पे सारे बंदे काम नहीं करेंगे, चीज़ों को डिवाइड कर दो और फिर एक एक करके उनको काम करो। 4 बंदे ये करेंगे, 4 बंदे वो करेंगे। जैसे इनका काम खत्म हो गया, ये इसको दे दिया, तो दूसरी गाड़ी को मंगाओ, दूसरा काम करो। तो जैसे यहाँ पे इंजन था, फिटिंग था और पेंटिंग था, कंप्यूटर में क्या होता है, चलो अभी टेक्निकली थोड़ा, अगर 2-स्टेज पाइपलाइन है तो क्या होगा? पहले डेटा फैच होगा कि काम क्या करना है, फिर वो फैच हो गया तो ये चला जाएगा एग्जीक्यूशन को। तो जैसे ये एग्जीक्यूशन को गया पहला इंस्ट्रक्शन, दूसरा इंस्ट्रक्शन फेच होगा। तो एग्जीक्यूशन हो गया तो पहला इंस्ट्रक्शन जाएगा एग्जीक्यूशन, दूसरा जाएगा तो तीसरा फेच होगा। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती है? काम क्या है? फेच करो, एग्जीक्यूट करो। तो ये हो गया 2-स्टेज पाइपलाइन। तो ये क्या, मतलब ऊपर से बता देगा फेच करो एग्जीक्यूट करो। अगर मित्र और डीप जाओ तो फेच और एग्जीक्यूशन में क्या होता है, पहले इंस्ट्रक्शन फेच होता है कि भाई हाँ डेटा ले लिया, अब इसमें क्या काम करना है वो कैसे पता चलेगा? जब मैं डेटा को डीकोड करूँगा। ठीक है, जैसे डिकोड पता चल गया कि हाँ भाई मुझे ये काम करना है, तो फिर उस ऑपरेशन को परफॉर्म करो। तो ये क्या हो गया? 3-स्टेज पाइपलाइन, समझ रहे हो? अब इसमें और डिटेल पे जाओ तो और क्या होता है आप देखते। पहले इंस्ट्रक्शन को फेच किया, फिर डेटा फेच किया कि भाई उसमें क्या काम करना है, फिर अभी पता चला कि हाँ मुझे क्या करना है, समझो A+B करना है। तो मुझे, मेरे को पता है प्लस करना है, लेकिन ए और बी को तो लाना पड़ेगा। तो थर्ड क्या होता है? ऑपरेंड फेच होते हैं, फिर उसका ऑपरेशन परफॉर्म हो गए। तो ये 1, 2, 3, 4, तो इसको कहते हैं 4-स्टेज पाइपलाइन। तो पाइपलाइन है कुछ नहीं, जैसे कार बनानी है, समझ रहा? जो 8-8 अपने बंदे कर रहे थे उसी तरह से यहाँ पे
बंदे काम कर रहे, ये टू स्टेज हो गया यानी फेचिंग और एग्जीक्यूशन होगा, थ्री स्टेज में क्या होगा, फेचिंग होगा, डीकोड होगा, एग्जीक्यूशन होगा, और फोर्थ स्टेज में क्या होगा, फेचिंग होगा, डीकोड होगा, ऑपरेंड फेच होगा, एग्जीक्यूशन होगा। इसकी जो पाइपलाइन साइकिल है वो बनेगी कुछ ऐसी ही, अगर टू स्टेज है तो फेचिंग और एग्जीक्यूशन, फेचिंग और एग्जीक्यूशन, और फेचिंग और एग्जीक्यूशन। थ्री स्टेज है तो क्या हो गया, क्या हो जाएगा भाई, तीन स्टेज है तो क्या होगा, फेचिंग डीकोड एग्जीक्यूशन, फेचिंग डीकोड एग्जीक्यूशन। उसी तरह से फोर्थ स्टेज है तो क्या हो गया, क्या हो जाएगा, फेचिंग डीकोड ऑपरेंड फेंड, ऑपरेंड फेचिंग और एग्जीक्यूशन। जैसे फेचर फ्री हो गया, इसका काम चालू हो गया, डीकोड ऑपरेंड फेंड एग्जीक्यूशन, उसी तरह से ये सो ऑन। तो टू स्टेज, थ्री स्टेज, फोर स्टेज, कितनी भी पाइपलाइन हो, पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट एक ही है, कभी भी हार्डवेयर को फुकट मत बैठने दो। एक काम खत्म नहीं होगा, दूसरा आप चालू कर सकते हो, जरूरी नहीं है। अगर ये स्टेज का काम खत्म हो गया है तो, अगर ये स्टेज का बंदा फ्री है, समझो फेचर फ्री है, तो दूसरा ऑपरेशन का चालू कर दो काम, फेचिंग करना, समझ रहे हो। जैसे डिकोडिंग खत्म हो गई तो दूसरे ऑपरेशन की डिकोडिंग चालू कर दो, तीसरे ऑपरेशन का फेचिंग चालू कर दो। तो ये था कॉन्सेप्ट एक्चुअल, और एकदम टेक्निकली मैंने अभी आपको ये भी बता दिया है कि पाइपलाइनिंग कैसे काम करती है। तो भाई अभी हमें इसे क्या निकालनी है, हमें इसके दिखानी है परफॉर्मेंस मेजर। तो जैसे हमने एम्डल्स में निकाला था कि भाई इसके स्पीडअप क्या होता है, तो हम पाइपलाइनिंग का स्पीडअप निकालते हैं। पाइपलाइनिंग का स्पीडअप का क्या फॉर्मूला है कि अगर मैं सीरियली काम करता, टाइम टेकन फॉर सीरियली परफॉर्मिंग द ऑपरेशन, वही ऑपरेशन अगर मैं गाड़ी सीरियली बनाता उसको कितना टाइम लग रहा है, अपॉन अगर मैं पाइपलाइन के थ्रू बना रहा हूँ तो उसको कितना टाइम लग रहा है। तो अब देखते सीरियल बनाने को कितना टाइम लगता है। सीरियल बनाने को समझो मेरी ये गाड़ी है, जब तक ये काम खत्म नहीं होगा ये नहीं चालू होगा। तो ये जो काम है ना, जितनी कार बनानी है उनको क्या कहता हूँ मैं, एन यानी नंबर ऑफ टास्क। इसके अंदर जो स्टेजेस है ना उसको मैं कहता हूँ एम यानी नंबर ऑफ स्टेजेस, और जिसको टाइम लग रहा है ना उसको उसको कहता हूँ मैं टी। क्या कह रहा हूँ, टी। तो वो सीरियल एग्जीक्यूशन मेरा फॉर्मूला क्या है, एन इंटू एम इंटू टी, समझ रहे हो। पैरेलल एग्जीक्यूशन के लिए क्या होता है, जैसे ऐसा काम खत्म नहीं हुआ, दूसरी गाड़ी का काम चालू हो गया, तो इसका फॉर्मूला अभी एन एम टी तो क्या है आपको पता चल गया, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या है, एन प्लस एम माइनस वन इंटू टी। जैसे आप देख सकते हो एक स्टेज कम होते जा रहा है आगे, जैसे मेरी चीज़ बढ़ रही है एक एक स्टेज कम होते जा रहा है, इसलिए मैं एम माइनस वन लिखा। फिर भी नहीं समझे तो यार इतना तो याद रख सकते हो, एन प्लस एम माइनस वन पाइपलाइन में क्या होगा, एन प्लस एम माइनस वन इंटू टी, टी यानी टाइम, ठीक है। तो अब देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस भाई लास्ट में अपने को आंसर क्या मिलना चाहिए। टी टी कैंसिल हो गया तो क्या बचा, एन इंटू एम अपॉन एन प्लस एम माइनस वन। अब एक काम करो, सबको एम से डिवाइड कर दो, तो ये पूरा एम से गया, एम 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 क्या हुआ, एम एम कैंसिल, ठीक है, इधर भी एम एम कैंसिल, क्या बचा, एन अपॉन एम प्लस एम एम कैंसिल, तो वन बचा माइनस वन अपॉन एम। अब हमें क्या दिया, ये अपना स्पीडअप का फॉर्मूला हमें पहले से दिया है कि जो मेरा एम है ना उसकी लिमिट्स क्या है, इन्फिनिटी है। स्पीडअप में क्या दिया है, जो मेरा एम है उसकी लिमिट क्या है, इन्फिनिटी है। तो जब मैं लिमिट पुट करता हूँ, समझो यहाँ पे मैंने इन्फिनिटी डाल दी, तो एनीथिंग डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी क्या होता है, ज़ीरो। एनीथिंग डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी ज़ीरो, तो क्या बचा मेरे पास, एन अपॉन वन, क्या बचा, एन अपॉन वन। तो मेरा स्पीडअप क्या होता है, स्पीडअप फॉर पाइपलाइन इज एन, क्योंकि एनीथिंग अपॉन वन क्या होता है, एन ही होता है। तो ये था मेरा स्पीडअप, समझ रहे हो। दैट्स इट, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, प्लीज़ वीडियो को शेयर करें अगर आपको वे ऑफ टीचिंग अच्छी लगी। अगर आपके किसी दोस्त को पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया तो उन्हें ये वीडियो शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें। हाँ, अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो नीचे कमेंट कीजिए। हाँ, अभी पाइपलाइनिंग को किस तरह से लिखना है एग्जाम में, क्योंकि आप इस तरह तो नहीं लिख सकते ना कि हाँ भाई ये गाड़ी बनानी है वैसी बनानी, तो उसको एग्जाम्स में किस तरह से लिखना है, उसे मैंने बहुत अच्छे से नोट्स बनाए, नीचे डिस्क्रिप्शन में नोट्स है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए वंस अगेन, प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, थैंक यू सो मच।